दम करके फिर पांव रखना। कितने लोग समझते नहीं है, क्रोध जब आता है तो अपना पांव पृथ्वी के ऊपर पटक देते, हाथ में जो हो गए धरती के ऊपर फेंक देते हैं, क्रोध आया उनको बड़ा भारी पाप लगता है। पृथ्वी मां सहन करती, पृथ्वी में परमात्मा की शक्ति है, भगवान है। मार्ग में कांटा पड़ा हो तो कांटे के ऊपर पांव रखना बहुत कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना बड़ा कठिन है। फूल में जो सुगंध है वो भगवान है, जल में जो मिठास है वो भगवान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भगवान की ही सत्ता है। किसी को प्यास लगी हो आप 1000-2000 रुपया दो उसको शांति नहीं मिलती है, वो कहता है ठंडा जल दो। पानी पीने से क्यों शांति मिलती है, पानी में परमात्मा है, पानी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग करना बड़ा भारी पाप है। तेज में भगवान है, वायु में भगवान है, आकाश में भगवान है, सभी में भगवान की सत्ता है। लड्डू के एक एक कण में चीनी मिली हुई, लड्डू में चीनी दिखती नहीं है, लड्डू को कोई उठावे तो हाथ में चीनी नहीं आती है, बुद्धि कबूल करती है लड्डू में जो मिठास है वो आटे की मिठास नहीं है, घी की मिठास नहीं है, इसमें चीनी मिली हुई है उसी की मिठास। लड्डू के एक एक कण में जिस प्रकार चीनी मिली हुई है, भगवान सभी में मिले हुए, जगत में परमात्मा का दर्शन करो। इसका अर्थ यह है जगत को भगवान से अलग न करो। जगत को जो भगवान से अलग करके देखता है उसकी आंख बिगड़ जाती है, मन बिगड़ जाता है। जगत को भगवान में देखना है और जगत को भगवान के साथ में देखना है। आपकी आंख जहां जाती वहां भगवान है, भगवत भाव से जगत को देखो, बहुत आनंद मिलेगा। इसी को महापुरुष अपरोक्ष दर्शन कहते हैं, जो सभी में भगवान को देखता है।